हेलो फ्रेंड, चलिए आज देखते हैं। प्लॉट साइज 60 फीट बाय 100 फीट के लिए तैयार किए गए प्लान को। फेसिंग ईस्ट है, जी प्लस 2 के फॉर्मेट में, 8 यूनिट्स ऑफ 1 BHK। तो फ्रेंड, जैसा कि देख रहे हैं, इधर फ्रंट है, इस साइड ईस्ट में, और प्लॉट का साइज ऐसे 100 फीट और ऐसे 60 फीट है। एज पर बिल्डिंग बायलॉज पीछे 8 फीट का सेटबैक छोड़ा हुआ है, दोनों साइड में 5-5 फीट का, तथा फ्रंट में 10 फीट का सेटबैक छोड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल 2 फीट 6 इंच ऊपर रखा गया है। यहाँ पर कोलेप्सिबल गेट प्रोवाइड करना है ताकि प्रचुर मात्रा में इधर से रोशनी भीतर आ सके। और इसके सामने यहाँ देखिए, स्टेयरकेस का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर फ्लाइट की चौड़ाई 3 फीट है, जबकि ट्रेड की चौड़ाई 10 इंच और राइजर 6 इंच। इस साइड से आप ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं और ऐसे वापस आते हैं। यहाँ नीचे में सफिशियंट स्पेस बचता है, जिससे कि आप इस साइड से भी एंट्री दे सकते हैं। ये लैंडिंग देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 फीट है, जबकि ये से 3 फीट 6 इंच। इसमें आप 4 फीट वाइड में वेंटिलेटर प्रोवाइड करें लैंडिंग से ऊपर। ये सभी स्क्वायर में आप देख रहे हैं, स्टिफनर्स को दर्शाया गया है। इसमें सभी वाल सुपर स्ट्रक्चर में 5 इंच की मोटाई में रखनी है, जबकि प्लिंथ तक 10 इंच की मोटाई में। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस साइड 4 इकाई है, 1, 2, 3, 4, और इधर 4 इकाई, 1, 2, 3, 4। इसमें कॉर्नर वाला चारों इकाई एक समान है और मध्य वाला ये सभी एक समान है, 2 इकाई इधर और 2 इकाई इधर। तो चलिए पहले देखते हैं कॉर्नर वाले इकाई को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से आप एंट्री लेते हैं। डी का साइज 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट रखना है, जबकि D1 3 फीट बाय 7 फीट और D2 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का है। तो इसमें ऐसे सामने लिविंग रूम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 फीट 9 इंच में, और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 9 फीट 6 इंच की चौड़ाई में। और यहाँ एक सेल्फ प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद में इस साइड में ये 2 फीट 3 इंच का ये पैसेज बन रहा है, और इधर टॉयलेट है, ऐसे 7 फीट है और ऐसे 4 फीट 6 इंच। टॉयलेट में इधर 2 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 3 इंच का वेंटिलेटर है, जबकि यहाँ 2 फीट 3 इंच बाय 4 फीट 6 इंच का W1 प्रोवाइड करना है। उसके बाद में देखिए, यहाँ बेडरूम है, ऐसे 12 फीट और ऐसे 10 फीट। इसमें 2 खिड़कियां एक इस साइड में और एक साइड में देना है। दोनों खिड़की का साइज रखा हुआ है 5 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का, और इस साइड में एक अलमीरा प्रोवाइड करना है, ऐसे 4 फीट और ऐसे 1 फीट 9 इंच डेप्थ रखना है S1 का। और उसके बाद देखिए, यहाँ ये पैसेज बन रहा है 2 फीट 6 इंच का, इधर किचन है,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फीट 9 इंच और ऐसे 5 फीट 4 इंच है। और इसमें एक सेल्फ का प्रावधान किया गया है 2 फीट 6 इंच का, ऐसे 2 फीट 6 इंच का, और डेप्थ यहाँ पर है 1 फीट 9 इंच। इसमें W2 का प्रावधान किया गया है जो कि 3 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का होगा। और यहाँ देखिए एक बालकनी है 8 फीट 3 इंच ऐसे, और ऐसे 3 फीट 3 इंच का ये रेलिंग है 3 इंच थिकनेस में, ये इसमें शामिल नहीं किया गया है। ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 फीट 6 इंच होगा। उसके बाद में सभी विंडो के ऊपर, विंडो और वेंटिलेटर के ऊपर यहाँ सनसेट प्रोवाइड किया गया है। विंडो को ऊपर में आपको 1 फीट 6 इंच प्रोजेक्शन बाहर निकालना है, जबकि वेंटिलेटर के ऊपर 1 फीट 3 इंच बाहर निकलेगा। ये इसी का मिरर इमेज, ये और ये 4 है। और देखिए दूसरा 1 2 3 4, ये 4 फ्लैट सिमिलर है बिल्कुल। इसमें से चलिए एक को देखते हैं। यहाँ से आप ड्राइंग रूम में आप एंट्री लेते हैं। ड्राइंग रूम का साइज ऐसे है 12 फीट और ऐसे 9 फीट 3 इंच। यहाँ से सीधे आप ड्राइंग रूम में आए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो इधर डाइनिंग हॉल का प्रावधान किया गया है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 फीट 3 इंच है, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 फीट 7 इंच है। और इधर किचन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 फीट 3 इंच, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ 6 फीट है। इसमें भी यहाँ पर देखिए ये कुकिंग प्लेटफॉर्म 1 फीट 9 इंच की चौड़ाई में है एल शेप में। और इधर सेल्फ का प्रावधान किया गया है जिसकी चौड़ाई 2 फीट है और डेप्थ 1 फीट 9 इंच। इसमें 3 फीट बाय 2 फीट का विंडो प्रोवाइड करना है। और यहाँ डाइनिंग हॉल में 6 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का विंडो देना है। इधर टॉयलेट का प्रावधान किया गया है जो ऐसे 7 फीट है और ऐसे 4 फीट 6 इंच है। इसमें भी एक वेंटिलेटर का प्रावधान किया गया है जो कि 2 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 3 इंच का है। यहाँ देखिए एक सेल्फ है इधर जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 फीट 6 इंच है, और डेप्थ इसका 15 इंच रखा हुआ है डेप्थ में। और इसी का मिरर इमेज ये और ये है। सभी साइज को दर्शाया हुआ है, सेल्फ के साइज को, टॉयलेट के साइज को, वेंटिलेटर W1 W2 W3 V1 V2, इसी प्रकार S1 S2 S3, सबका अलग अलग साइज है जिसको दर्शा दिया गया है। तो फ्रेंड आशा है प्लान पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले दिन नए प्लान के साथ। थैंक यू।